अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 23 नवंबर 2019 के। हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों के पद 16,000 खाली, 2 गुनी भर्ती का भेज दिया प्रस्ताव, सत्यापन तक भर्ती पर रोक लगी। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे 40,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हो रहा था कि टीजीटी पीजीटी में आपकी 40,000 शिक्षक भर्ती लगभग आने वाली थी। अब दोस्तों बात हो रही है कि सिर्फ 16,000 पद खाली है। तो दोस्तों ये बीएड के छात्रों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बीएड के छात्र अप्लाई कर सकते थे, फिलहाल डीएलएड के छात्रों को मौका इसमें ना मिलता टीजीटी पीजीटी में। तो दोस्तों हम यहाँ साफ साफ तौर पर कहेंगे कि बीएड के छात्रों को एक बड़ा झटका। लगभग 240,000 शिक्षक भर्ती की बात होते होते अगर आपके पास सिर्फ 16,000 शिक्षक भर्ती पर दोस्तों बात बनाए, तो मतलब साफ है कि देखिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले छात्रों की संख्या तो लाखों में होगी। ये बात दोस्तों देखिए 100% से हो रहा है, यहाँ पर बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों सब कुछ इसको विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। अब बात करेंगे उसके बाद हम लोग यूपी टेट 2019। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट में अब की बार 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। आंकड़ा जारी हो चुका है दोस्तों, 12 दिसंबर को जारी होगा प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, 12 दिसंबर को आपका प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तब तक आप लोग वेट करिए और दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए दोस्तों की और हम बता दें, अगर आप लोग को मैथ में बिल्कुल भी हेल्प चाहिए हमारी, तो हम आपको दोस्तों पूरी हेल्प करेंगे। अभी आपको दोस्तों इस वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो। फिर दोस्तों बात करेंगे बिना शिक्षक भर्ती दावेदारों की भरमार। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा को 16 लाख से अधिक आवेदन, इम्तहान 22 दिसंबर को। दोस्तों बात वही आपके यूपी टेट का ही हो रही है कि भाई कोई शिक्षक भर्ती तो आई नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक और सबसे बड़ी अपडेट कि स्कूलों में बच्चे कम तो बंद कर देंगे स्कूल, उप मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी बात कि देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बच्चे कम है तो स्कूल भी बंद कर दिया जाएगा। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, इसको जरा देखते हैं कि सहायता प्राप्त स्कूलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव का सत्यापन कराया जा रहा है। पहली बार अधियाचन के साथ सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र शिक्षक की संख्या का भी सत्यापन करा रहे हैं। जहां बच्चे कम हुए उन स्कूलों को बंद कर बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री। देखिए दोस्तों बात क्या है, सही बात है कि टीचर की नौकरी तो खतरे में नहीं आएगी, लेकिन अगर दोस्तों लगता है कि अगर आपके घर के पास कोई स्कूल है सरकारी, अगर वहां पर भाई मान लीजिए 3 टीचर हैं और दोस्तों वहां पर बच्चों की संख्या 10 है 15 है, तो वो स्कूल का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है यार, वहाँ टीचरों की सैलरी कम से कम नहीं तो 40,000 मिनिमम होती है आज की डेट में। अब 1,20,000 सैलरी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो ऐसे स्कूल तो बंद किया ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई टीचर है तो अपने स्कूल में कम से कम अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाए या मोटिवेट करें कि आपके स्कूल में बच्चे आए। तो यही सब बात है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, पहले ये वाली बात दोस्तों देखते हैं अपडेट, काफी बड़ी अपडेट है बीएड के छात्रों के लिए। दोस्तों इनका नुकसान काफी बड़ा हुआ है, ठीक है ना। पद 16,000 खाली, 2 गुनी भर्ती का भेज दिया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। प्रदेश में सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के प्रबंध तंत्रों की बड़ी कारगुजारी सामने आई है। इन कॉलेजों में जितने खाली पद हैं उससे 2 गुना से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, उससे अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया, ठीक है। मामला सामने आते ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में इन स्कूलों में शिक्षक और छात्र की संख्या का प्रस्ताव के साथ सत्यापन शुरू कर दिया। उधर चयन बोर्ड ने सत्यापन पूरा होने तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। सत्यापन के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है। डीएम को सत्यापन रिपोर्ट चयन बोर्ड के प्रस्ताव पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दोस्तों 4,512 सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रोक्ता के 22,303 में से 2,297 और सहायक अध्यापक के 72,120 में से 14,122 पद रिक्त हैं, यानी प्रोक्ता और सहायक अध्यापक के करीब 16,419 से ज्यादा पद रिक्त हैं। मतलब देखिए दोस्तों 16,000 समथिंग वैकेंसी आएगी आपकी। सहायता प्राप्त स्कूलों की ओर से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव सीधे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाता है। जब बोर्ड को पद से 2 गुना ज्यादा भर्ती का प्रस्ताव मिला तो उसने विभाग को रिपोर्ट दी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वास्तविक छात्र संख्या और कार्यरत शिक्षकों की संख्या का सत्यापन कराने के साथ प्रस्ताव के सत्यापन का भी निर्देश दिया है।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली दोस्तों वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों अभी तुरंत अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए। शिक्षक भर्ती तो आएगी आने वाले टाइम में, लेकिन दोस्तों कम आएगी, तो आपकी जो पढ़ाई का स्तर है दोस्तों वो और अच्छा हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, अगर वैकेंसी 10,000 भी आती है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको दोस्तों अपनी सिर्फ उस एक सीट से मतलब होना चाहिए जिसमें आपको नौकरी चाहिए। जी हाँ, ऐसा तो है नहीं आपको 40 के 40,000 पदों पर नौकरी मिलने वाली थी, आपको तो एक ही पद पर मिलती ना, तो आपको अपने एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो सबसे बड़ी अपडेट हमारी, यूपी टेट अब की 16.5 लाख अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, आवेदनों की संख्या का अंतिम आंकड़ा जारी हो चुका है। परीक्षा 22 दिसंबर को होगी, केंद्र आवंटन को भी भेजी गई लिस्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में इस के बाद मतलब तकरीबन 16.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आवेदन की संख्या में शुक्रवार को अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया गया। परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। केंद्र आवंटन के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से, अब पीएनपी सचिव की ओर से मतलब दोस्तों जिला वार लिस्ट जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी गई है। यूपी टेट के लिए दोस्तों कुल 16,34,249 आवेदन आए, इनमें से 10,68,912 अभ्यर्थियों ने सिर्फ प्राइमरी। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि प्राइमरी स्तर पर इतना ज्यादा आवेदन होने का रीजन क्या है, कि देखिए सभी को यार जो नई सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती या आप कह सकते हैं असिस्टेंट टीचर वैकेंसी आ नहीं है, उसी में दोस्तों सभी बच्चों को उम्मीद ज्यादा है। और 5,65,337 अभ्यर्थियों ने केवल अपर प्राइमरी के लिए आवेदन किया। देखिए दोस्तों सभी बच्चे वही होंगे जो दोनों आवेदन के होंगे, हमें नहीं लगता दोस्तों ऐसा कोई बच्चा होगा जो सिर्फ प्राइमरी को करे और अपर प्राइमरी को ना करे, मतलब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दोनों कुछ बच्चे कर रखे होंगे, कुछ बच्चों ने किया होगा। उसके बाद दोस्तों इनमें 4,90,536 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन किया। जी हाँ दोस्तों, देखिए भाई हम बात कर रहे थे ना, तो कुछ बच्चे तो भाई डबल मार दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों टेट 2019 का आयोजन 22 दिसंबर को प्रदेश भर में एक साथ किया जाएगा। केंद्र आवंटन के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को जन पदवार लिस्ट भेजी गई है। सभी विद्यालय में 2 दिसंबर तक केंद्र आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आवंटित केंद्रों की सूची 4 दिसंबर तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भेज दी जाएगी। 12 दिसंबर से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे और अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। टेट में सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट ही विवादों में फंसा हुआ है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए अगली परीक्षा कब होगी, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे नई शिक्षक भर्ती की राह देखते रहते। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग लास्ट लाइन इसको जरूर पढ़िएगा दोबारा से। तो भाई अभी आपके जो सीनियर बच्चे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट विवादों में चल रहा है, तो दोस्तों उसके बाद ही आपकी कोई नई शिक्षक भर्ती आ पाएगी। तो मतलब अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए वही आपके बिना शिक्षक भर्ती के दावेदारों की भरमार। जी हाँ दोस्तों, मतलब वही साफ कहा गया दोस्तों इसमें कि यूपी टेट में आपके दोस्तों से लगभग लाखों बच्चों ने आवेदन कर दिया, जबकि कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। लेकिन दोस्तों शिक्षक भर्ती में आप तभी हिस्सा ले पाएंगे जब आप यूपी टेट या सी टेट का पेपर क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर शिक्षक भर्ती के आपको आस पास भी पहुंचना है तो कम से कम इन दोनों टेट में से एक टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों काफी बच्चों के मन में एक डाउट आता है यार कि किसकी तैयारी हम सही से करें। देखिए सी टेट में होता क्या, सी टेट और यूपी टेट में बस इतना अंतर आप समझ लीजिए। सीटेट में दोस्तों सब कुछ बिल्कुल टाइमली होता है, टाइम टू टाइम होता है, फिक्स होता है, कोई लेट नहीं होगा। सीटेट का रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल टाइम से आता है, एडमिट कार्ड सब कुछ मतलब जिस दिन डेट लिखा उसी दिन ये सब आ जाएगा। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन गलत आने का ऑब्जेक्शन ये सब बहुत ही कम होते हैं। अब देखिए इस साल यूपी टेट में भी दोस्तों ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पिछले सालों तक क्या होता था यूपी टेट में जो आप ऑब्जेक्शन करने का होता था दोस्तों वो होता था खुला खुला मंच होता था, जो मन आए आप आके आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। लेकिन अब क्या होगा, आपके यूपी टेट में कुछ ऐसा होगा दोस्तों कि जिससे आप लोग हिल जाएंगे, मतलब आपको पर क्वेश्चन 500 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार ये 10 क्वेश्चन आपको विवादित लग रहा है, तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से आपको 5,000 रुपए जेब से देने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा 5,000 रुपए, क्योंकि 500 रुपए तो दोस्तों आजकल काफी कोचिंग की फीस नहीं होती, तो आप 500 रुपए या 5,000 वहां देंगे तो एक बड़ी बात होगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ बात हो रही थी यार कि आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, हमने आपके लिए दोस्तों मैथ की वीडियोस बना रखी है। अगर आपने अभी तक हमारी मैथ की वीडियोस ना देखी है तो तुरंत देखिए। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, लगभग 6 घंटे 30 मिनट की हमने बना दी थी एक ही वीडियो,
कि आप लोग को यार कुछ 200 से अधिक क्वेश्चन दोस्तों उसमें देखने को मिलेंगे, 200 प्लस, या दोस्तों सही का एग्जैक्ट आंकड़ा 210 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। उसमें होगा क्या दोस्तों कि अगर आपने हर उन प्रश्नों को हल कर लिया तो समझ लीजिए कि यूपी टेट में उससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, तो उससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि आप काफी टाइप्स के क्वेश्चन देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स के, और एक अच्छी बात होगी फुल एचडी में क्वालिटी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे चाहते हैं एचडी प्रिंट और घर बैठे, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो होगी ये। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। देखिएगा 8738079216, ठीक है ना, 8738079216। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की राह देख रहे थे, वैकेंसी तो दोस्तों आने वाली थी और काफी बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा हो रहा है यार। पहली बात तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा कि अगर आप 40,000 बोलते हैं तो चलो ठीक, उसमें कुछ गलती होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 1-2 हजार ऊपर नीचे होगा ना। अब 40,000 से सीधे 16,000, मतलब दोस्तों लगभग आधे से भी कम। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये गलती सच में ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल बीएड के छात्रों को एक बड़ा झटका तो लगा है, और डीएलएड के छात्रों को तो चलिए दोस्तों कोई इनकी वैकेंसी आ ही नहीं रही थी तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मतलब आने वाले टाइम जो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का जो भी पेपर होगा, तो उसमें जब बीएड के छात्र लाखों में बचे रहेंगे, हजारों में तादाद होगी, तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा। तो दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है ना, बहुत ही अच्छी करते रहिए। यूपी टेट 1/4 मार्किंग है यूपी टेट और सी टेट का, तो ध्यान में रखना है। यूपी टेट में आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सी टेट में दोस्तों कम मौका होता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। एक लाइक से आपसे जो लाइक करते हैं उससे मोटिवेशन ही मिलता है हमें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।